होगा फिल्म का हिस्सा, कैसी होगी फिल्म की कहानी। वैसे आप सब तो जानते ही होंगे कि बॉलीवुड के दबंग खान कौन है। अरे भाई, सलमान खान और कौन, जिनके पास हर टाइम फिल्मों की लाइन लगी रहती है, उन्हीं में से एक फिल्म है कभी ईद कभी दिवाली। उनके साथ इस फिल्म में आयुष शर्मा और जहीर इकबाल एक्शन के साथ साथ कॉमेडी करते हुए भी नजर आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें फिल्म के फीमेल लीड की, तो इस फिल्म में नजर आने वाली है पूजा हेगड़े। इस फिल्म में हमें सलमान और पूजा हेगड़े के बीच पहली बार रोमांस देखने को मिलेगा। इसके पहले पूजा हेगड़े बॉलीवुड के हाउसफुल 4 मूवी में नजर आ चुकी हैं। सलमान खान की इस फिल्म में हमें हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया जाएगा। इस समय जब देश में धर्म को लेकर नेगेटिविटी का माहौल है, ऐसे में सलमान की फिल्म सद्भाव और शांति का संदेश देगी। कभी ईद कभी दिवाली सिल्वर स्क्रीन पर धर्मपुत्र और धूल का फूल जैसी फिल्मों का अनुभव फिर से बड़े पर्दे पर क्रिएट करेगी। इस फिल्म की कहानी सलमान खान की खुद की फैमिली से जुड़ी हुई है। उनके पिता मुस्लिम हैं और माँ हिंदू हैं, और वहीं उनकी सौतेली माँ कैथलिक है। सलमान का परिवार कम्युनल हारमोनी का जीता जागता उदाहरण है। फिल्म का प्लॉट उसी समान होगा। एक ऐसे परिवार के उतार चढ़ाव की कहानी दिखाई जाएगी जहां ईद और दिवाली बराबर उत्साह के साथ मनाई जाती है। ये फिल्म सलमान की तरफ से एकता और भाईचारे की सद्भावना होगी। सलमान खान स्टारर फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को फरहाद सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साजिद नडियाडवाला फिल्म की कहानी लिखेंगे और प्रोड्यूस भी करेंगे। ये फिल्म पिछले साल 2021 पर ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड के बढ़ते केसेस की वजह से इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था। और अब सलमान खान अपनी अपकमिंग मूवी टाइगर 3 के शेड्यूल में बिजी हो गए हैं। फिल्म के मेकर्स का कहना है कि सलमान के बिजी शेड्यूल के चलते फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई, और अब ये फिल्म 2023 में सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। आपको बता दें कि इस साल ईद पर भाईजान की कोई फिल्म नहीं आएगी, लेकिन आप निराश ना हो, भाईजान ने इसके लिए भी एक तरकीब खोज ली है, और वो ये है कि अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म रनवे 34 को ईद के मौके पर रिलीज करने की अपील की है। वेल, अब 2023 में ही पता चलेगा कि भाईजान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली क्या कमाल करती है बड़े पर्दे पर। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भाईजान की फिल्म से ऑडियंस को कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या फिल्म ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है या नहीं। क्या आपको पता है सलमान खान ने अपनी इस फिल्म के लिए अपनी फीस घटाकर 125 करोड़ रुपए कर दी है। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा जब सलमान खान खुद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।